नमस्कार, स्वागत है आपका एंशंट एशिया में। आज देश भर में महाशिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए आज एंशिएंट एशिया के साथ जानते हैं देश में कहां कहां पर स्थित है भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। पहले नंबर पर स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात का। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। शुरुआत से ही सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। सोमनाथ देश के सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव इस तीर्थ में प्रकाश के एक जलमग्न स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। पुराण की कहानियों से पता चलता है कि सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशियों ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसे नष्ट करने का प्रयास किया और 16 बार इसे दोबारा बनाया गया। दूसरे नंबर पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार नागेश्वर को इस धरती का सबसे शक्तिशाली 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है, जो सभी प्रकार के जहरों के संरक्षण का प्रतीक। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेने हजारों भक्त हर साल पहुँचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, बड़े बगीचे और नीले सागर का अबाधित दृश्य पर्यटकों को मोहित कर देता है। नंबर 3, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग लिस्ट में पूरे 3 मंदिर शामिल है। अब सवाल यह आता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? भीमाशंकर मंदिर यह आता है महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित, जिसे मोटेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नामक नदी बहती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से मिलती है। नंबर 4, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। ये पर्वत गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतम ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसका आकार है। एक तीर्थ स्थल के बजाय यहाँ एक खंबा है, जिसमें 3 खंबे हैं। ये 3 खंबे सबसे शक्तिशाली और अधिकार कारक देवात्माओं का, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व माना जाता है। नंबर 5 पर है कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। प्रभावशाली लाल चट्टानों के साथ 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नकाशी और मुख्य दरबार हॉल में विशाल नंदी बैल कृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास वीरुल गांव में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुमेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की दशावतार मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। नंबर 6 पर स्थित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। देश के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ भी हिंदू धर्म के सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं और 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी के अनुसार यहाँ रावण ने वर्षों तक शिव की आराधना की और शिव को लंका में आमंत्रित कराया। शिव ने शिवलिंग के रूप में खुद को रावण को सौंपा और कहा कि लंका पहुंचने तक ये शिवलिंग नीचे नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रावण ने भगवान शिव की अवज्ञा की और लंका पहुंचने से पहले ही शिवलिंग को नीचे रख दिया। जहां ये शिवलिंग रखा गया वही भगवान शिव देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करने लगे। सावन के महीने में यहाँ ज्यादा पदयात्रा होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। नंबर 7 पर है केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ उत्तराखंड। भारत के उत्तरांचल राज्य में रुद्र हिमालयन रेंजेस में स्थित केदारनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग को अर्पित करते हैं। बेहद ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। प्रसिद्ध हिंदू संत शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 150 किलोमीटर है। केदारनाथ का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। केदारनाथ तक ट्रैकिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ लोग पैदल अथवा खच्चरों या डोलियों का इस्तेमाल करके जाते हैं। नंबर 8 पर स्थित है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने यहाँ निवास कर सभी को खुशी और मुक्ति प्रदान की थी। नंबर 9 पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी बहती है और नदी के बहने से पहाड़ों के चारों ओर ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग असल में ओम का आकार लिए हुए है, यही वजह है कि इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर का एक पौराणिक महत्व भी है। लोगों का मानना है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक युद्ध हुआ और देवताओं ने भगवान शिव से जीत की प्रार्थना की। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराई पर जीत दिलाकर उनकी मदद की। नंबर 10 पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशाल आध्यात्मिक महत्व है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य भारत के लोकप्रिय 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण 5 साल के लड़के श्रीकर ने कराया था। कहा जाता है कि श्रीकर उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से काफी प्रेरित था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 7 मुख्य स्थलों के बीच बसा हुआ है। नंबर 11 पर स्थित है रामेश्वरम तमिलनाडु। देश में दक्षिणी ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा जाता है रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग पर जाने वाले भक्त धनुषकोटी समुद्र तट पर भी जाते हैं, जहां से भगवान राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था।
यह ज्योतिर्लिंग भी भारत के चार धामों में से एक है। नंबर 12 पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को साउथ का कैलाश भी माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। सुंदर वास्तुकला गोपुरम के नाम से जानी जाती है। मल्लिकार्जुन के मंदिर को शिव और पार्वती के देवताओं के रूप में भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में तो आता है और सती के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। मल्लिकार्जुन निर्विवाद रूप से देश का महान शैव तीर्थों में से एक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक कहते रहिए हर हर महादेव।